बाप रे, ओ देखो कोयला खा लो। जैसे मैं इशारा मांगूंगा भाग के उधर आ जाना। तो इतना सारा प्यार पागल के आ अब मार जाने लेंगे आपके बारे में। बाप रे, तो मैंने बोला क्यों लेके आई प्याज? वही बात अभी को बदनाम कर रहा है। ओ भाई साहब, तो हमारा आज का वीडियो यहाँ से शुरू होता है। अभी सुबह का 11 बज रहा है और मौसम आज वाकई में बहुत अच्छा है। थोड़ी देर पहले बारिश भी हुआ था, वो चीज़ कैप्चर नहीं कर पाया और तब ये सो रही थी, है ना? तो मैं अपना व्लॉग बना चुकी हूँ। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, तभी उठी थी, तभी आस ही पास उठी थी जब बारिश हुआ था। बारिश के बूंद को धरती छूने से ठीक एक सेकेंड पहले उठी थी। हाँ एक्चुअली में अभी ये जा रही है कुछ स्पेशल बनाने के लिए, भिंडी वगैरह। भाई वो लोग वो भी टेस्ट करने को मिलेगा ना। हाँ, असल में 3-4 दिनों से मूड खराब है, अच्छा खाना नहीं बन रहा था, तो मैं जा रही हूँ भिंडी बनाने। चलो जाओ जल्दी बनाओ, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अभी हमारा मलाई भिंडी बन रहा है। यहाँ पे मलाई है। आज अपने घर में बहुत बड़ा कांड हो गया है यार। आज जब वक्त आया एसी लगाने का, एक एसी हमारा लगा हुआ नहीं था, वो एसी आज है लगाने की बारी, तो बिल गुम हो गया है। जब एसी वाले भैया ने फ़ोन करके बोला कि बिल भेजिए एसी का, तो इसने बिल भेज दिया टीवी का। फिर भैया फोन करके बोल रहे हैं कि हाँ टीवी कहाँ लगाना है, तो हमने बोला कि टीवी के लिए तो हमने बोला ही नहीं। भैया ने बोला कि बिल चेक करिए, बिल में तो टीवी लिखा हुआ है। फिर ऐसा कुछ सीन हो गया। अब यहाँ पे खुजाई हो रहा है, देखिए शायद कॉल आया है उन्हीं का, भैया का ही कॉल है। हाँ उन्हीं का कॉल है। हाँ जी, OTP कैंसिल का, रुकिए रुकिए दे रहे हैं आपको। नहीं नहीं अभी आया तो नहीं है। इनको बोलिए ना कल में शिफ्ट कर दे, कल टीवी लगाना है। तो देखो हमारा भिंडी मसाला बन के एकदम तैयार हो चुका है। तो आज जो मैं करने वाला हूँ उस बात के लिए मैं अभी ही आप लोगों से माफ़ी मांग लेता हूँ, क्योंकि आज जो होने वाला है वो बहुत ज़्यादा ऐसा कह लो ब्रूटल हो सकता है। क्योंकि एक इंसान के ऊपर कितना अत्याचार किया जा सकता है वो आपको मैं आज दिखाऊंगा, ठीक है? तो अभी मैं करने क्या वाला हूँ, अभी उसको सब्ज़ी लेके आने दो, फिर उसके बाद देखना ट्विस्ट। इस लड़की ने मुझे बताया भी नहीं और देखो खुद ही आके यहाँ पे भिंडी खाने लग गई। वाह भाई, तुम कोई दुश्मनी है क्या मेरे से? तुम तो मेरे लिए ही बनाई थी ना। हाँ तो तुम जाके खा लो, मेरे लिए भी ला देना ना थोड़ा सा सब्जी। सब्जी चाहिए तुमको? मैं खुद के लिए खाऊंगा लेकिन तुम्हारे लिए ना लाऊंगा। ला रहा हूँ ला रहा हूँ ला रहा हूँ ला रहा हूँ। मुझे तो एक मौका चाहिए था, मुझे एक्चुअली में बिना कुछ किए मौका मिल चुका है काम करने का। तो ये देख रहे हो ये है मलाई भिंडी। एक्चुअली मैं क्या ट्विस्ट है ना वो आपको समझ में नहीं आएगा। अभी अभी चल के दे देते हैं, प्यार से खिला देते हैं पहले, उसके बाद लेंगे मज़ा। ये लो भाई, तुम खा लो फिर मैं खाऊंगा यार, क्योंकि एक साथ नहीं खाएंगे ना। तुम खा के मुझे बता देना, ठीक है? फिर मैं खाऊंगा, क्योंकि भाई किसी के लिए कम नहीं पड़ना चाहिए ना। मैं इसे लास्ट में खाऊंगा ताकि, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं लास्ट में खाऊंगा ताकि किसी को कम ना पड़े। तो अभी ये लड़की खा के जा चुकी है, अब है मेरी बारी खाने की। तो मैं कैसे खाने वाला हूँ वो देखना। तो इतना सारा प्याज देख के आप तो कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन ये पूरा प्याज मैंने अभी अभी मंगवाया है, अभी अभी जस्ट अराइव्ड वाला सीन है। और इतना प्याज जो है हम किसी को खिलाने वाले हैं, लेकिन खिलाने का तरीका अलग होगा। एक्चुअली वो बंदा प्याज नहीं खाएगा, कुछ और खाएगा, ठीक है? तो ज़्यादा चीज़ें मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा। जो प्लान है मेरा उस प्लान में ये बंदा भी शामिल हो चुका है, पूरे तरीके से नहीं, थोड़ा थोड़ा। इसको भी पूरे तरीके से प्लान का खबर नहीं है। तो चलो पहले चलते हैं और प्याज को काट के और भिंडी में मिलाते हैं। तो ये देखो भिंडी, भिंडी में मैंने प्याज मिला दिया है और इसको मैं किचन में ही रखने वाला हूँ और उसके बाद आप देखना क्या होता है, ठीक है? तो मेरे हाथ में है खाना और मम्मी को मैंने बोला है आज कि आज मैं पकड़वाऊंगा कि प्याज सबसे ज़्यादा कौन खाता है। तुम बस यहीं तैयार रहना, जैसे मैं इशारा मारूंगा भाग के उधर आ जाना, फिर पता चल जाएगा कि प्याज मैं खाता हूँ या वो खाती है, ठीक है ना? तैयार हो ना? ठीक है। तो मम्मी के साथ वो बंदा खड़ा है वहाँ पे, आज पकड़वा देना है असली चोर को, ठीक है ना? इधर आओ, इधर आओ। तुम जो खाना खा रही थी, मैं भिंडी कम पड़ गया तो मैं लाया था ना, अब तुम लेके आओ। सुनो सुनो, किचन में रखा हुआ है कटोरी में, वो लेके आना। जल्दी जल्दी आ, तो फोन
नहीं देख मम्मी, देख मम्मी, देख रंग क्या है, बोला था ना बताओ वह दिन कितना माना कराई लो कि ना बोलें। मम्मी को शक था मेरे ऊपर, आज मैंने दूध का दूध और पानी का पानी प्याज का प्याज कर दिया। रात में ही बोला गया था तो कौन है माना करे, एक बार तो मैंने माने के नहीं के बात। और मम्मी खाना फेंक दिया, मम्मी मंगवाया था मेरे सब्जी अभी, तुम्हारे सामने खाना फेंक दिया मम्मी, प्याज खाए लगे कोयला खा लो, जाओ टैकल करो मम्मी से। मम्मी ऐसे कैसे है, सुधारो कब तक, कब तक बहुत बहुत कैसे हो गया मम्मी, आज तक सुधरी है लड़की, आज तक सुधरी, छोड़ दो जो कोयला आग खा लो, आग कोयला खा लो, शर्म नहीं आता है तुमको, इतना होने के बाद भी सुधरोगे कि नहीं तो तुम सुधरोगे भगवान, क्या प्रॉब्लम क्या है, बिना प्याज के खाना अच्छा नहीं लगता है क्या, मैं भी तो खा रहा था ना बिना प्याज का, देख मैं बिना प्याज का खा रहा हूँ, देख देख मैंने मंगवाया तुमसे भुजिया तो प्याज मिला के क्यों लाती, देखो बिना प्याज का खा रहा हूँ, ये बात तो हमको भी नहीं समझ में आया कि ये जब बोला भुजिया लाने के लिए तो प्याज डाल के खाए लेके आई, इसे चोट कहाँ लग रहा है यार, गलत कर रही हो तुम, जल्दी दे ना, ये देख क्या दे रहा है, दे जल्दी दे, नहीं ओए आ ना मुझे पागल के आ, ओ हो आ चोट लग रहा है, ओए हमको क्यों पीट मारा, वो भी कैमरा ऑन करके बहुत तेज चोट लग, बाप रे बाप, बाप रे मम्मी मत करो, बहुत तेज लग रहा है, फिर बुला दूंगा मैं, आ करो यार अच्छा नहीं लग रहा है, बुला 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 बुला, फिर बुला फंसा दूंगा, तू बुला ये ले, छोड़ छोड़ बुला बुला बुला, बाप रे मम्मी मत कर मत कर, ओए मम्मी आओ मत कर मत मार, ले बुला 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 के फंसा दूंगा, फिर हमको ये नहीं समझ आया कटोरी में प्याज डाल के लाया क्यों उसने, अरे यार तुम कटोरी में प्याज डाल के लाई क्यों, मैंने बोला प्याज डालने को, क्यों लाई थी कटोरी में प्याज डाल के, यही बोला था हरामखोर, मैंने प्याज मंगवाया था, मेरा हाथ चोट मार मार, मैंने प्याज मंगवाया था, हमको क्या पता, कैमरा बोला है मैंने, हमको क्या पता है, ये कटोरी में प्याज तुमको भुजिए लाने के लिए बोला था ना, तो तुम प्याज डाल के क्यों लेके आई उसमें, क्यों लो अब नहीं यार, अब बता बता क्यों लाए, बोल मैंने बोला था लाने को, मैंने भुजिया बोला था कि नहीं, मैं पागल हूँ, मैं अपने मन से लाई थी, अब बोल, और मैं छोड़ खड़ा हट जा खड़ा जा, तुम मार के छोड़ देंगे, मैंने वही बोला था, छोड़ो साला बना के एक गुलाब ऊपर से फंसवा के पिटवाता है राक्षस कहीं का, बिछाए थे मेरे लिए प्याज काट के कटोरी में रखा था, और हमको बोला कि कटोरी वाला लेके आना जो हम रखे हैं, मैंने रखा था, खा कसम से मार के जान ले लेंगे अबकी बार हम, कुत्ते हैं, चोट और दोस्तों नहीं लगता इससे, रबड़ का बेल्ट है, हम भी दिए हैं तो भाई, बाप बाप रे बाप, बाप रे जल टूट जाएगा, उरी बाप रे ये ताकत लगा के पॉप, मम्मी पॉप नहीं करूंगा यार, कौन से मार रही थी हमको, शिवम का चेहरा देख के समझ में आ रहा था कि चोट नहीं लगता है इससे, नहीं पड़ता साली हरामी,
बाप रे इतना तेज अब लग रहा है, चोट हमसे पूछो अब लग रहा है। फिर वही बात, देखो लास्ट में घूम के आना है इसी घर पे, यही से पटक के रहोगे तो देख लो। पागल पागल हो गया क्या यार? हाँ पागल हो गए हैं, ले पागल सही में हुई है। अब इसके चेहरे पे डर दिख रहा है। हाँ ले ले पागल, पागल हो गए। मैंने रोज रोज का ड्रामा सारा बर्दाश्त करते करते बोल रहे चार दिन पांच दिन वार्निंग देते देते खत्म हो गया। तो मैंने बोला क्यों लेके आई प्याज नहीं कटोरी। फिर अभी वही बात, अभी वही बात, अभी को बदनाम कर रहा है। थोड़े सब कर रहा हूँ। ओ भाई साहब, ओ हो पूजा क्या तरक्की पाया है तूने, अब मार नंगा पीट। ओ क्या कर दिया भी? क्यों लाई प्याज बोलो, मैंने बोला था लाने को, खुद की गलती कभी कमीना है, खुद की गलती कभी मानी हूँ आज तक। मैंने बोला कि भुंजिया लेके आओ, तो प्याज काट के भुंजिया में डाल के क्यों ले आई? वही तो, आखिर ये करने का मकसद क्या था तुम्हारा? ठीक है हम लाए, मम्मी को यहाँ लाके कौन खड़ा किया था? ये लेके आया, देखा तुमने, मम्मी को लेके आने के लिए तो हमको ये, हमको तो ये बोला था मम्मी को लाने के लिए। मैंने बोला था तुम लेके आ जाओगे, मैंने बोला तो देख, मम्मी को मैंने बुलाया, ये देख इसने बोला क्या, इसने बोला क्या कि जाओ मम्मी को उधर से लेके आओ। हम गए, मम्मी को लेके आया, हम देख लेंगे। हमको क्या पता था, हमको तो कुछ पता ही नहीं था कि कुछ प्याज वगैरह का भी सीन है। हमको तो अभी मालूम पड़ा कटोरी देखने के बाद में कि प्याज वगैरह का सीन है, कुछ कुछ इन लोगों ने झोल झपाटा कर रखा है आपस में, मतलब शिवम ने कर रखा है पूजा को फंसाने के लिए झोल झपाटा आपस में। मेरे मुंह पे लगता अभी तुम्हारा, अभी तो हमको कुछ पता होगा तब ना हम बोलेंगे, बताएंगे, तुमको बचाएंगे, सेफ करेंगे। सब पता ही सीखा था, एक एक प्लान। लक फिर तुम क्यों खा रहे हो? वही तो कंफ्यूजन है, हेर फेर, मास्टर माइंड है ना। हम ही बोले थे क्या प्याज लाने के लिए तुमको? तुमको मन कर रहा है कि हम आखिरी कर दें आज? सच में इतना गुस्सा आया है, तुम जीना हराम करके रख चुका है मेरा पूरी तरह से। आखिरी कर दो पूजा, आखिरी आखिर कैसे करोगी? वही तो बात है, एक मिनट, एक रास्ता है आखिरी करने का। ये गलत रास्ता है, ये सही रास्ता, इधर आओ। ये गलत रास्ता है, इधर आओ ना, देखते हैं पूजा आजमाती है कि नहीं। नहीं नहीं नहीं, अबे सुन तो, कोई बात नहीं, पूजा का आखिरी तुम कर दो शिवम। मैं ही करूंगा भाई, लो ये लेके जाओ। आखिरी चल रहा है, मार के छोड़ देंगे मुंह तुम्हारा। हम ये खींच के छोड़ देंगे ना तो तुम्हारा मुंह टूट जाएगा इससे, भरोसा नहीं है देखो। अच्छा मुझे आखिरी नहीं करना, मुझे हर रोज आखिरी जैसा करना है। मतलब कि कल भी तुम सेफ नहीं हो। ये लो, रुको, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, रुको रुको, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता कुछ भी ऐसे। तुम तो बार बार लूज कर जा रही हो, रुको देना ये ले। क्यों आऊं भाई, मैं पागल हूँ क्या? लेगा ही नहीं, मैं पागल हूँ क्या जो आऊंगा? मैं क्यों आऊंगा, पागल दिख रहा हूँ? सुधर जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, फ्यूचर के लिए भी। बिगड़ी ये कहाँ बिगड़े, तो तुम थे यार, गड़बड़ तो तुम कर रहे हो, इसको बोल रहे हो सुधरने। डरता हूँ क्या तुमसे? पेड़ वेड़ तो चढ़ने का कला अपने आप को, जरा काबिल बंद मत दिखाया करो। मार पूजा, अच्छे से मार साले, साला हाथ दुख गया, लेकिन एक साल सुधरा नहीं अभी तक। तो मारो इसको, मारो। हमको क्यों मारेगी भाई? तो मुझे तो भाई, ये भी तो मम्मी को लेके आया है। मैं तो लेके आया ही था, लाने वाले की गलती थोड़ी ना है, प्याज लाने वाले की गलती है। मार मार इसको, अच्छा मैं बोल रहा हूँ क्या हुआ था। इधर कुल मिला के हुआ ये था
कि मैंने ना अभी सच सच बोल रहा हूँ, सच सच शुरुआत से ही पूरा ट्रैप बिछाया था मैंने। पहले प्याज मंगवाया, 1 किलो प्याज मंगवाया था तुम्हारे लिए, प्लान बड़ा किया था लेकिन छोटे से टल गया। और जो उसको देख रही हो ना ऊपर, ओ ओ, ये भी मिला हुआ है प्लान में। अरे, और शुरुआत से ही था ये, शुरुआत से हम चुपचाप कान बहिर पीट गहिर करके निकल रहे हैं यहाँ से। सच में सच सच बता रहा हूँ, मैंने शुरू से ही प्लान किया था कि आखिर तुमको प्याज खाना छुड़ाना है तो यही तरीका है। मुझे? हाँ, महीने तो दिन भर खा ही रहती हूँ ना। तो तुम मम्मी को बुला करके मुझे पिटवाए क्यों? वो तो इंसल्ट करवाता है कुत्ता। वो तो सेटिस्फेक्शन के लिए। तुम्हारे सेटिस्फेक्शन। तुम ये हरामी वाला स्माइल मत दो, हम तोड़ देंगे दांत तुम्हारा आएगा मार के कुत्ते कहीं का। अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें खुशी मिलेगी तो लो तोड़ दो, मार देगी इसी बेल्ट से भी मुंह से नहीं टूटेगा, बकल वाले साइड से मारो। मजाक कर रहा था यार, अभी पता चल गया ना पूरा कहानी, यही था कहानी। अब जाओ चुपचाप, खाने दो मुझे, थोड़ा सा बचा हुआ है, क्या खाऊं, हाथ ही गंदा है। ओह शिट यार, दो बेल्ट ना, तो मेरा निकट ढीला है। बहुत सही टाइम पे बेल्ट दिया है, ढीला नहीं है, इन जैसे लोगों के वो गिन्नी जैसे लोगों के वजह से पहनना पड़ता है। अभी इतना मारा है ना इसने भाई साहब, ऐसे दर्द से चक्कर आ रहा है मुझे। अच्छा कोई बात नहीं, होता रहता है। क्या होता रहता है? जो आज हुआ है वो ही। पागल पागल बात बन जाता समझे, सब इशारा दिख रहा है हमको। क्या क्या इशारा किया हम, मेरा कोई इशारा था ही नहीं यार। कोई बात नहीं, ऐसा इंटेंशन। चल जियो शेर। पसीना पसीना हो गया, लाल हो गया तेरा पीछे से, ऐसे चौड़ा 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 पूरा दाग। देखो देखो पूरा दाग है भाई का, 1 2 3 4 पूरा दाग बना हुआ है, नीचे वाला खत्म हो गया जो शुरुआत में पिटाया था। लोहे का शरीर ना, स्टील बॉडी है। मम्मी को, हमको मम्मी से कुछ ज्यादा उम्मीद था। नहीं मम्मी को मैंने सिखाया था ना, तो मम्मी को लगा कि मैं कुछ तो छोड़ कर रहा हूँ इसीलिए ज्यादा नहीं मारी है। अच्छा देख सच्चाई इसके मुंह से निकला, मम्मी से, मम्मी को सिखाया था ये। तो मम्मी को मैं बोला था ना कि आएगी तो प्याज लेके। अभी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हुआ है, पूरा वॉल्यूम के साथ में, इधर कैमरा में भी रिकॉर्डिंग हुआ है कि मम्मी को सिखाया था इसलिए मम्मी जानती थी कि हम कुछ झोल करेंगे इसलिए ज्यादा नहीं मारी है, इसका सेंटेंस ये था। यही तो सच बोल रहे, मम्मी को भी पूरा भरोसा कहाँ है मेरे ऊपर। बचपन से बड़े होने के बाद सिर्फ तेरे कारण हम सिखा रहे हैं इस घर में। तो वही तो तुमको सुख दिला रहा हूँ, आज भी तुमको लगेगा तुम छोटी हो। मार के मुंह फुला देंगे अभी हम तुम्हारा। सच नहीं बोल रहा हूँ क्या? जाइए जाओ मित्रा, बहुत बार चली गई पार्टी है, ये रख देना जाइए तो। जाते थे रख ही दे, वो तो खाने लगते, छोड़ा नहीं तुमने यार। मैंने नहीं छोड़ा, कि तूने नहीं छोड़ा रे। तुम तो खा ली, खुद तो खा के चली गई। तूने बुला, तूने सारा कांड किया था है मम्मी को बुला करके। अच्छा जाओ जाओ, हमको पता ही नहीं था, हमको मम्मी को बुला के लाने का काम दिया गया था भाई। क्या बेटा पता था इसको शुरुआत से, उसके अलावा कुछ नहीं जानकारी में, बेल्ट तो दे के जाओ मेरा। आज मम्मी को बुला क्यों लाया? ये लड़का भाई बोला कि मम्मी काम तो तू ही किया है ना, मेन काम तो ये किया। अब जिया बात सुनो पहले, ये बात अब तुमको समझ में आ गया, मेन काम तो हम किए हैं, लेकिन पहले बात क्या हुआ कि शिवम बोला कि पूजा उधर जा रही है, जैसे ही तुम इधर आई हमको वहां पे खड़ा करके रखे हुए था, हम आधे घंटे से खड़े थे वहां पे बाथरूम के पास में 20 मिनट से, ठीक है। तुम जैसे ही यहाँ पे आके गई, कुछ बोला ही तुमको, ऐसे इशारा किया लेके आ, हमको बस इतना ही काम दिया गया था कि मम्मी को लेके आना। तुम्हें नहीं पता था कि हमको प्याज के लिए? तो हम तो तुमको भी नहीं देखे थे यार, हमको लगा गिन्नी यहाँ से गई, खेल यहाँ से स्टार्ट हुआ था। और उसके पहले वहां पे वो प्याज लेके बैठा था ना, तो हम बैठे थे वहां पे, वहां पे भी ये बोला कि कुछ तो करने वाला है, और वीडियो में ये भी बोला है कि हमको कुछ पता नहीं, ठीक है। तो इस बात पे मैं गारंटी दे सकता हूँ कि हमको सही में कुछ नहीं। इतना कुछ डिस्कशन कर रहे हो भाई, मेरा चोट का क्या, कुछ इतना हुआ ना, मन कर रहा है कि रो दूं यहीं पे यार, बस रो नहीं रहा। रो ना थोड़ा सा, हम देख ले, रोते यार कैसे रोते हो तुम, मेरा बेइज्जती का क्या,
क्यों, तुम्हारी बेइज्जती क्या है? सबको पता है ना तुमने तो ये किया नहीं है। मम्मी के सामने जो बेइज्जती हुआ उसका। अरे यार वो तो सरतर है, साला वीडियो बना के भी डालेगा, ये सबको दिखाएगा हमको मार खाते हुए। तो क्या हो गया, ये तो मार, इसमें क्या, इसमें कौन कोई माँ से मार खाना गर्व की बात होती है, बहन से मार खाना शर्म की बात होती है। इसका पूरा रिकॉर्डिंग करके किस दिन मम्मी को दिखा देते हैं। क्या कहती हो मम्मी, तो ये वाला भी देखेगी। इसमें पक्का इलाज खोजना पड़ेगा, इतना मारे कोई कुछ नहीं सुधरा, इतना टेढ़ा ही अभी तक। अबे टेढ़ा नहीं हूँ, दर्द हो रहा है इसलिए चुप हूँ पागल। कुछ तो करना पड़ेगा यार इसमें। हम तो इसको ज्यादा नहीं मारे कि साला कहीं मर ना जाए। तुझे तो मारे भी, इसको मारने में तो डर लग रहा है। पागल हो फिर तुम लोग, थोड़ा थोड़ा हमको पागल हो, मुझे को ज्यादा मारना चाहिए था। चलो मैं खाना खा लूं, अंदर जाकर खाऊंगा अच्छे से, उन्हें खाने लायक छोड़ा नहीं है। फिर मुझे बदनाम कर रहा है, वाह लड़े का बदनाम किया, बोलना किसको चाह रहे हो फिर, जब इसको काम किया था ना। देख हम बता रहे हैं, सुन ना, देख देख सुन, हम बता रहे हैं, स्टाफ बोला था कि पूजा को पिटवाना है, हम इशारा करेंगे मम्मी को लेके आ जाना। देखिए बात सच है, तू आई कर ये सच बोल रहा है, ऐसा ही नहीं। क्यों क्यों हम कुछ करते हैं साला, तुम लोगों को खाना में दिक्कत हुआ था, पता है क्यों, पता है क्यों बोलूं, क्यों मजा आता है, मजा आता है। कमीना, इन दोनों के लिए हम चावल और पुलाव और आज भिंडी का स्पेशल सब्जी बनाए थे, इन लोगों का मन खराब हो जाता है। किसका? तुम लोगों का। हम लोगों का खाने को लेकर तो हम कभी शिकायत किए नहीं है। हाँ इसलिए तो तू खाता ही नहीं है खाना खराब। हम कभी शिकायत नहीं करते भाई खाने को लेकर, पसंद ना आए तो हम रख देते हैं चुपचाप, शिकायत नहीं करते हैं कि ये बनाओ वो बनाओ ये बना के दो वो बना के दो, यही आदत रहेगा यार, कल को बीवी को भी बोलेंगे तो वो तो भाग जाएगी छोड़ के। चलिए ठीक है बाय फ्रेंड्स, आदत लगा के रखे हम। बहुत आप में से जो कोई भी देख रहा है, अगर जो आप लोग मतलब एज अ गार्जियन देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि मतलब रिश्ता वश्ता करने का, तो लड़का ओके है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हम रिश्ते की बात कर रहे थे, अपने अपने लिए बात कर रहे थे, खुद के लिए, तुम्हारा तब तो होगा नहीं ना, अब तो तुम यहीं पर रहेगी, तुम्हारा तो जाना था वो कैंसिल हो चुका है। हाँ तो अपने लिए मैं क्या कह रहा था, तो मतलब लड़का जो है ठीक है, बढ़िया है, नशा वशा नहीं करता है, आजकल सेहत पे भी ध्यान दिया है, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है वैसे, थोड़ा बहुत दिक्कत है माइंड से कभी कभी उल्टा हो जाता है, मतलब तीन तीन दिन चार चार दिन एक एक हफ्ते तक उल्टा चलता रहता है दिमाग उसका, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं फरमाइश किसी चीज की नहीं करूंगा, दहेज एकदम नहीं चाहिए, ज्यादा कुछ देने का मन हो तो एक दारू की फैक्ट्री गिफ्ट कर सकते हैं हमको, बाकी इसके अलावा तो हम कुछ डिमांड कर नहीं सकते आपसे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सुनो, तुम्हारी पास आ रहे थे, ये उठा रहे थे तो पापा अलग मारेंगे। जाते जाते एक बाल्टी हमको मार के गई अभी। अब मामला फिट है भाई, अब हम सेफ हैं, बस कहीं कहीं प्याज नीचे गिरा हुआ दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो उसके लिए अलग पंगा हो जाता है। अब बात ये है ना कि हमारे घर में कुछ भी सोना फेंका हो गिरा हो कहीं पे नहीं मिलेगा, दिक्कत यह है ना कि सोना गिरा रहेगा ना कहीं पे भी तो वो दिखेगा नहीं किसी को, लेकिन अगर जो प्याज गिरा हो ना तो वो एकदम से एक नजर पड़ती दिखता है वो, मतलब सोने से ज्यादा ना चमकता है हमारे घर में प्याज, मतलब बाकी सबकी नजरों में, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड चीज है ना, रिस्ट्रिक्टेड चीज है हमारे घर में, मतलब एकदम ना, हमारे बाबा भी खिलाफ थे, हमारे दादा भी खिलाफ थे, हमारे पापा भी खिलाफ है, मम्मी भी खिलाफ है, अभी हमारे जनरेशन से लग रहा है ना कि चालू हो जाएगा ये जो है घर में। वैसे मैं भी खिलाफ हूँ, मैं भी खाता नहीं हूँ अनियन जो है घर में, मोस्टली मतलब जेन्युइन तरीका से सीरियसली होगे किसी से पूछोगे कि मंगल प्याज खाता है तो सब लोग यही बोलेंगे कि नहीं खाता है वो, मैं कच्चा प्याज बिल्कुल ही प्रेफर नहीं करता हूँ, उसके बाद में मुंह से अजीब सा स्मेल आता है, वो पसंद नहीं है मेरे को, ये खाता है खूब साला कच्चा। हाँ, प्याज सब लोग को स्मेल तो सबको होता है ना भाई, इसी वजह से मैं खाता नहीं हूँ, और मम्मी को थोड़ा बहुत, मम्मी को लेकर थोड़ा बहुत इशू रहा है मेरे लाइफ में, इशू नहीं मतलब कुछ कुछ रहा है मेरे लाइफ में, जैसे कि दूध के साथ में चीजों को नहीं खाना, ये लोग रहे नहीं है ना, मम्मी के साथ में मैं ही रहा हूँ ज्यादा टाइम तक, मम्मी पापा के साथ में,
तो इस वजह से मैं थोड़ा बहुत ढल गया हूँ, उनके जैसा हो गया हूँ, मम्मी और पापा के जैसा खाने पीने के मामले में। बाब मार्केट का कुछ खाना नहीं है, इधर का कुछ खाना नहीं है, प्याज लहसुन खाना, दूध के साथ में नमक नहीं खाना है। इतने बार देखोगे रेस्टोरेंट में खाते हुए, हम एक ही बार खाए हैं पनीर, एक ही बार खाए हैं बस टेस्ट करने के लिए, और कैमरा के अंदर ही खाए बोल के कि आज पहली बार टेस्ट कर, कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ खास नहीं लगा। और नहीं तो वैसे दूध के साथ में कोई भी नमकीन चीज़ मैं नहीं खाता हूँ, प्याज भी नहीं खाता हूँ, है ना। और शिवम हर वक्त प्याज के चक्कर में लात खाता है और खिलवा भी देता हूँ कभी कभी, खिलवा भी देता है कभी कभी। तो ये था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा आया होगा। भाई मेरा ये वाला भी टी शर्ट पे कुछ तो दाग लग गया, जितने भी कपड़े हैं मेरे पास उस पे कलर लग चुका है, और आज इस पे देखो हल्दी वगैरह लग गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये छूट जाएगा, बाकी नहीं छूटा तो देखते हैं क्या होता है। बाकी आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में बताना, कमेंट कर देना है आपको इस बार, हर बार कमेंट नहीं करते हो अभी, कमेंट कर देना ठीक है। और मुझे गाली दे देना अगर आपको देना है तो, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग गाली देने वाले हैं। तो फिलहाल चलते हैं, आज आपसे मिलते हैं दोबारा कल एक नए वीडियो के साथ। हमारा आज का ये वीडियो होता है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।